हेलो फ्रेंड्स, गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और आप गर्मियों को एंजॉय कर रहे होंगे। ये तो नहीं कर सकती क्योंकि किसी को भी ये गर्मी हद पार लग रही है और मानव अस्तित्व खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि अभी जिस तरह 45 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, अगर हम लोगों ने नीम, पीपल, बट ब्रिज, बेल, इमली, आंवला ये सब पेड़ अगर नहीं लगाए जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा सोखते हैं और टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं, पर्यावरण को ठीक रखते हैं, तो आने वाले समय में हमारी जेनरेशन के बाद वाली जेनरेशन जो है वो तो भूखते ही, वो तो उनका खून जो है वो 55 डिग्री पे उनका अस्तित्व ही खत्म होने के कगार पे हो जाएगा, मगर हम लोग भी इस प्रकृति की मार से नहीं बच पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग जरूर कुछ पेड़ लगाएंगे, लेकिन फिलहाल गर्मियां है और प्रेगनेंसी, एक तो घबराहट होना, चिड़चिड़ापन होना, कुछ भी अच्छा नहीं लगना, भूख नहीं लगना, ऐसे ही प्रेगनेंसी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस के कारण ये सब लक्षण होते हैं। ऊपर से ये गर्मी ये गर्मी इतनी परेशान करती है, बार बार पसीना आना, खुजली हो जाना, घमौरी हो जाना, उस पर से बार बार नहाने को मन करना और खुद को बहुत लाचार महसूस करना, उतनी बार कपड़े प्रेगनेंसी में धोना भी और उतनी बार खुद को नहाने के लिए तैयार करना भी एक मुसीबत सा लगता है। तो आप खुद को हाइड्रेट तो जरूर करें, दिन भर पानी पीते रहें, जैसा कि मैंने बताया था कि नारियल पानी सुपर फूड है और ये हाइड्रेट भी आपको खुद से करता है और आपके इंटेस्टाइन को बहुत ठंडा रखता है। तो आप नारियल पानी भी पी सकते हैं, छाछ या मट्ठा बहुत अच्छा होता है, अगर उसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा या काली मिर्च भी साथ में डाल लो। अगर आपको कैल्शियम के रूप में दूध या दूध का कोई प्रोडक्ट लेना है तो गर्मी के दिनों में दूध ना लेकर दही लें, क्योंकि दही की तासीर होती है वो ठंडी होती है, तो आपको अंदर से ठंडा रखती है और उसमें बहुत सारे प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि आपके गट को, मतलब आपके इंटेस्टाइन, आपकी अतड़ियों को, आपके आंत को बहुत हेल्दी बनाए रखते हैं, आपके वेजाइना को भी हेल्दी बनाए रखते हैं, आपके बर्थ केनाल जहाँ पे से बेबी आने वाला है नॉर्मल डिलीवरी में उसको भी लैक्टोबैसिलस प्रोवाइड हो जाता है। तो दही एक इम्पॉर्टेंट आपका कंपोनेंट होना चाहिए जो थाली है उसमें, और आप सलाद खाएं, सलाद में खीरा ककड़ी ले सकते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल पे कुछ कुछ खाते रहे, जैसे कि इसके साथ आप लेमन वाटर भी ले सकते हैं, वो एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है स्किन के लिए और चेहरे के लिए भी बहुत अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है और इंटेस्टाइन विटामिन सी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है। इसके अलावा आप अंकुरित दाल ले सकते हैं, मूंग का दाल जिसमें विटामिन ई होता है, हरी पत्तेदार सब्जियां ले सकते हैं जिसमें विटामिन ए और विटामिन सी की मात्रा बहुत होती है, पालक ले सकते हैं जिसमें कि आपको आयरन की मात्रा बहुत होती है। तो ये सब तो जैसे जिंदल लेते हैं बाकी महीनों में वैसे लेते रहना है, मगर इधर लिक्विड की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा देनी है ताकि आपको डिहाइड्रेटेड आप ना हो जाए और आपके बच्चे का गर्भ के अंदर जो पानी है, लाइकर है, वो कम ना पड़ जाए। क्योंकि गर्मियां आ गई हैं तो खाना बहुत जल्दी खराब हो जा रहा है, तो आप खाने को सधाने के चक्कर में बासी खाना ना खाएं, रात की रोटी या रात का चावल या दाल या थोड़ा खट्टा हो गया चलेगा वैसा सोच के ना खाएं, आप ताजा खाना खाएं। और चूंकि अगर खाना खट्टा हो गया है इसका मतलब वो इन्फेक्टेड है, उसमें बैक्टीरिया आ गया है, हार्मफुल बैक्टीरिया, वो आपके शरीर को बहुत हार्म नुकसान पहुंचा सकता है। गर्मियों में स्किन का कैसे ख्याल रखें, इसके लिए मैं
अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आपके डाटा का ख्याल रखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो कृपया ये वीडियो बाकी लोगों को भी शेयर करें, इसके लिंक यूट्यूब के और हमारे फेसबुक पे और यूट्यूब इंस्टाग्राम पे भी ऐसे ही जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं, पहली बार देख रहे हैं हमारा चैनल, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं आपको निराश नहीं होने देने वाली। धन्यवाद।